ପଡ଼େ କେଦାରନାଥ ଧାମରେ 8 ବର୍ଷ ପରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ପୁନର୍ବାର ଶଙ୍କରଙ୍କ ଅବତାର ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମାଧି ଦେଖିପାରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଦାରନାଥରେ ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମାଧି ପୁନର୍ଗଠନ ପରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏହାର ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଭାରତରେ 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ 4ଟି ଶକ୍ତିପୀଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଘରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ଦାର୍ଶନିକ ତଥା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ 788 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 820 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହିମାଳୟର କେଦାରନାଥରେ ମହାସମାଧି ନେଇଥିଲେ। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहे तन्नो रुद्र प्रचोदयात। भगवान केदारनाथ जी का सानिध्य में परसों 6 तारीख प्रातःकाल 6 बजे भगवान केदारनाथ जी का कपाट बंद होना जा रहा है शीतकाल के लिए। जो भगवान केदारनाथ जी का जो शीतकालीन गद्य स्थल उखी मठ ओमकारेश्वर मंदिर में भगवान केदारनाथ जी विराजमान हो जाते हैं। कल सुबह प्रातःकाल भगवान केदारनाथ जी का दर्शन पाने के लिए मान्य हमारा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इधर पधारे हैं। हम लोग मंदिर समिति की तरफ से पुजारी लोगों की तरफ से उनको स्वागत करते हैं। भगवान केदारनाथ जी का हर बार मान्य प्रधानमंत्री जी दर्शन पाके महारुद्राभिषेक करके देश का कल्याण के लिए मनोकामना मांगते हैं। ये तो बहुत अच्छी खुशी का बात है। कल सुबह प्रातःकाल 8 बजे भगवान केदारनाथ जी धाम में पधारे मान्य प्रधानमंत्री जी। प्रथमतः मंदिर में भगवान भोलेनाथ जी का आशुतोष महामृत्युंजय भगवान केदारनाथ जी का महारुद्राभिषेक करेंगे साहब। उसके बाद मंदिर का परिक्रमा करके जो आदि गुरु शंकराचार्य जी का जो मूर्ति है उनका अनावरण हो रहे हैं। ये बहुत खुशी का बात है। बहुत बहुत सारे केदारनाथपुरी में आज रौनक आ गया है।